वालेकुम सलाम सर। लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। हेलो गाइस, आई होप दैट यू हैव सीन द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज जो कि मैंने अपलोड कर दिया था और आपके साथ लिंक वगैरह जो है वो शेयर कर दिया था। इसमें मैंने फाइव बेसिक ऑपरेशंस जो हैं आपके जो है सिग्मा सिलेक्शन प्रोजेक्शन आपकी यूनियन इंटरसेक्शन उसके अलावा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ये चीज़ें जो है मैंने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अभी इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है जॉइंट्स का वो मैं यहाँ पे जो है इसको कवर करता हूँ, फिर जो है हम साथ बैठ के जो है इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं और जो है फिर मैं आपको दे दूंगा एज ए होमवर्क के तौर पे, ताकि जो है वो आप जो है फिर अपनी तरफ से जो है पे बैठ के इसको करके फिर असाइनमेंट के तौर पे उसको सबमिट करवा सकें। देन वी मूव ऑन टू द लैब जो कि बिफोर द लॉकडाउन जो है हमने जहाँ तक कवर किया था, फिर वहाँ से हम रिज्यूम करेंगे। और जो हमारी 1 बजे वाली जो क्लास है फिर वो जो है कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि मैं आधा घंटा यहाँ से प्रीवियसली स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही 1:45 बजे यहाँ पे जोर की नमाज होती है तो फिर वो वैसे ही क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा यहाँ पे इसको यहीं भी कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो आप स्क्रीन व्यू कर रहे हैं यहाँ पे समबडी से ओके, तो ताकि मैं इसको जो है वो रिज्यूम करूँ। ओके ठीक है गाइस, सो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा एसक्यूएल के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। अब उन्हीं जॉइंट्स को थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्चुअल जॉइंट्स हैं जो कि आपने एसक्यूएल के अंदर नहीं पढ़े होंगे, जो कि हम इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं, और उनको मैथमेटिकली फॉर्मेट में जो है उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी मैं रिकॉल कर दूं प्रीवियस लेक्चर कि आपकी जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को सिग्मा की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिग्मा जो है बेसिकली वेयर क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लेक्चर पढ़ा होगा आपने, तो ये वाली जो क्यूरी है बेसिकली जो सिग्मा करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 और जो रिलेशन है दैट इज स्टूडेंट, बेसिकली क्यूरी है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3। तो ये जो क्यूरी जब एसक्यूएल में ट्रांसफॉर्म होगी तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, और प्रोजेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है पाई के थ्रू, जिसमें हम अनवांटेड कॉलम्स जो है इसको रिमूव करते हैं और वन बाय वन कॉलम्स जो है यहाँ पे हम रिलेशन के साथ रखते हैं पाई के साथ। तो बाय डिफॉल्ट जो सिग्मा है सिग्मा के अंदर जो सिलेक्ट स्टर यानी सारे के सारे कॉलम्स जो रिट्रीव हो रहे हैं, अगर कोई भी जो है अगर एक या दो कॉलम्स हमें एलिमिनेट करना तो सिग्मा और पाई का कॉम्बिनेशन बनेगा क्यूरी के अंदर। ठीक है, ये क्यूरी हम आगे चल के बनाएंगे एग्जाम्पल्स पे, हम इसको जो है जॉइंट्स को कवर करते हैं। जॉइंट्स द स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स, उसके मुख्तलिफ टाइप्स है, थीटा जॉइन है, इक्यो जॉइन है, नेचुरल जॉइन है, सेमी जॉइन है और आउटर जॉइंट्स। और आउटर जॉइंट्स की जो है फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है और जो है हमारे पास फुल आउटर जॉइन है। ठीक है, तो थीटा जॉइन क्या कहता है, वी अप्लाई द कंडीशन थ्रू सिलेक्ट ऑन वन रिलेशन एंड देन ओनली दोज रोज आर यूज्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट विद द सेकंड रिलेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक रिलेशन ऑन द लेफ्ट साइड, एक रिलेशन ऑन द राइट साइड, बीच में ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करती है क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक्स के तौर पे भी सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं और उस एक्स को हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सिंपल एक्स में और इस कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है ये हम आगे चल के इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, और बेसिकली जो थीटा है इट रिप्रेजेंट्स द प्रेडिकेट और एनी कंडीशन। तो उससे क्या हुआ कि इस रिलेशन के साथ जो है कोई ना कोई कंडीशन लगेगी यानी कि वेयर क्लॉज लगेगा, उस वेयर क्लॉज के बाद जो रोज रिस्ट्रिक्ट होके आएंगी वो दूसरे रिलेशन के साथ जो है वो
कंबाइन होगी एज ए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट प्रीवियसली लेक्चर के अंदर देखा हुआ है कि अगर एक टेबल के अंदर दो कॉलम्स हैं और दूसरे टेबल के अंदर तीन कॉलम्स हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री होगा, यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो नंबर ऑफ रोज इन वन रिलेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इन सेकंड रिलेशन। ठीक है, ये जिस तरह एक इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज थ्री है, कोर्स के अंदर नंबर ऑफ रोज रजिस्ट्रेशन के अंदर टू है, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रोज इसमें रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर रोज रिस्ट्रिक्ट होके आए, यानी कि इसमें से दो सिलेक्ट हो या एक सिलेक्ट हो और वो जो कंबाइन हो उसके साथ, तो उसको हम कहेंगे थीटा जॉइन। और ये इसकी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी आरक्यूएल के अंदर। अब ये एग्जांपल है हमारे पास जो कि फैकल्टी आईटी, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, रैंक, उसके अंदर पांच कॉलम्स हैं। और दूसरा टेबल है हमारे पास कोर्स का जिसके अंदर कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है और फैकल्टी आईडी। अब थीटा ज्वाइन के लिए हम चाह रहे हैं कि इस फैकल्टी के टेबल के अंदर जो जिन टीचर्स की जिन फैकल्टी के रैंक एसोसिएट प्रोफेसर है वो रोज स्पेसिफिकली इस रिलेशन से रिट्रीव होकर आए और इस क्रॉस के टेबल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्यूरी जो है ये आरक्यूएल की फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब यहाँ से जो दो रोज होंगी वन और टू एसोसिएट प्रोफेसर की फैकल्टी आईडी एफ थ्री फोर फाइव सिक्स और एफ फोर फाइव सिक्स सेवन, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होंगी इस पूरे टेबल के साथ और हमारे सामने ये पूरे का पूरा टेबल जनरेट हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल टू एट, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अगर हम इसको सिर्फ नेचुरल ज्वाइन रख दें रोज हमारी होती फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, यानी कि सिक्सटीन रोज होती। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन विद द कंडीशन। नेचुरल ज्वाइन विद द कंडीशन को हम कहेंगे थीटा ज्वाइन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इको ज्वाइन। इको ज्वाइन जो है हम पहले से स्कूल के अंदर पढ़ चुके हैं कि बेस्ड ऑन equal condition of one column in one relation and another column in another relation. So rows are joined on the basis of values of a common attribute between the two relations. जो कि common attributes होंगे, for example इस table के अंदर common attributes हैं faculty ID, इस faculty के table के भी अंदर है और इस course के table के अंदर भी है। यानी कि ये faculty information का table है, अगर आप database create करते हैं faculty के हवाले से, और अगर ये course का table है कि ये फलाने फलाने courses हैं जिसमें ये जो डेटाबेस सिस्टम से ये पर्टिकुलर फैकल्टी आईडी यानी कि एफ 2345 ये बेटा सर ता जो को डिफरेंस बतायो थीटा में आई नेचुरल में सर वो थोड़ा वापस का रिपीट कर जो। थीटा इज अ टाइप ऑफ नेचुरल जॉइन। हम सिर्फ थीटा के अंदर थीटा जॉइन के अंदर सिर्फ एक कंडीशन लगा रहे हैं, अगर ये कंडीशन हम हटा देंगे तो सिंपल ये नेचुरल जॉइन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर जी। थीटा स्पेसिफाइज द प्रेडिकेट और कंडीशन, यानी कि इन दोनों टेबल में से किसी एक टेबल की रोज को हम रिस्ट्रिक्ट करके दूसरे टेबल के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें। ओके गाइस, और इको जॉइन के अंदर जो है अब ये जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये डेटाबेस सिस्टम से ये फैकल्टी आईडी एफ 2345 जो है ये उस्मान साहब जब वो टीच करते हैं। ठीक है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स कोई भी टीच नहीं करता क्योंकि इससे करेस्पॉन्डिंग कोई फैकल्टी आईडी नहीं है। मनी एंड कैपिटल जो है एफ फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि ऐसा ही टीच करती हैं, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है एफ टू थ्री फोर फाइव यानी कि अगेन उस्मान साहब टीच करते हैं। तो ये डेटाबेस सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये उस्मान साहब टीच करते हैं, और मनी एंड कैपिटल मार्केट जो है हमारे ये ऐसा टीच करती है। यानी इसमें जो ताहिर है और समद है ये कोई भी सब्जेक्ट टीच नहीं करते, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये सब्जेक्ट जो है कोई किसी भी टीचर को असाइन नहीं किया हुआ। इन टेबल्स की डेटा को हम देख के बता रहे हैं, लेकिन इस तरह की ज्वाइन है आगे जो कि हमें बताएगा कि कौन से कोर्सेज किसी फैकल्टी को असाइन हुए हैं या नहीं। तो इको ज्वाइन में हमारे पास सिंपल फैकल्टी फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी इक्वल टू कोर्स डॉट एफआईडी। अब
इसके अंदर एफएससी आईडी जो है वो यहाँ पे है फैकल्टी के अंदर, और इसके अंदर एफआईडी है। इन दोनों की कॉलम के बेसिस पे इन दोनों टेबल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे सिंपली इको जॉइन। ठीक है, इस तरह सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फैकल्टी कमा कोर्स वेयर फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी, इसको अगर हम एसक्यूएल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। और आफ्टर अप्लाइंग द इको जॉइन हमारे पास ये जो तीन रोज हमारे पास रिट्रीव होके आई है, जिस तरह से मैंने कहा कि डेटाबेस सिस्टम जो है F2345 ये कोर्स उस्मान साहब टीच कर रहे हैं, और इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग भी उस्मान साहब टीच कर रहे हैं, और मनी ऑन कैपिटल मार्केट ये आयशा टीच कर रहे हैं। दूसरे जो दो रोज हैं फैकल्टी में से और एक रोज जो है कोर्स के टेबल से, वो रिट्रीव होके नहीं है इसमें, क्योंकि उनके बीच में कोई भी करेस्पॉन्डेंस नहीं थी, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन से टीचर्स जो है कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, या कौन कौन से कोर्सेज जो है कौन कौन से टीचर्स जो है वो लिंक्ड है जो कि वो टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो इको जॉइन के बेसिस पे हमें ये चीज पता चल रही है। उसके बाद है आल्सो कॉल्ड सिंगल जॉइन मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ जॉइन सेम एज इको जॉइन विद कॉमन कॉलम अपीयरिंग बोरिंग मस। अब इस इको जॉइन में हमारे पास फैकल्टी आईडी के अंदर ये भी कॉलम हमारे पास शो हो रहा है और ये भी कॉलम हमारे पास शो हो रहा है। इसके अंदर डिजिटल जॉइन के अंदर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम जो है हमारे पास अपीयर हो। उसमें क्या करेंगे, अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि फैकल्टी आईडी हमारे पास इसके रिजल्ट के अंदर कोई एक कॉलम हमारे पास अपीयर होगा। अब एसक्यूएल के अंदर हम लिखेंगे सिलेक्ट फैकल्टी आईडी फैकल्टी नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी कॉमा रैंक कॉमा कोर्स कोड कॉमा कोर्स टाइटल फ्रॉम फैकल्टी एंड कॉमा कोर्स। अब उसके अंदर हमें कॉलम्स स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करने पड़ेंगे जहां पे हमारे पास एक कॉलम जो है अपीयर होके आना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन के अंदर। लेफ्ट आउटर जॉइन कीप ऑल द टपल्स फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन एंड जॉइन विद रिलेशन राइट रिलेशन पैड द नॉन मैचिंग टपल्स विद द नल्स। यानी जहां पे जितने भी रोज हैं लेफ्ट रिलेशन के अंदर और जितने भी रोज हैं राइट रिलेशन के अंदर, उन रोज को आपस में कंबाइन करें, और जहां पे रोज आपस में मैच नहीं करें उनको पैड करते हैं नल के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही टेबल है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन का और सॉरी फैकल्टी का और कोर्स का। इन इन फैकल्टी की जो चारों के चारों रोज हैं वो इन कोर्स के रोज के साथ कंबाइन होगी बेस्ड ऑन दिस फैकल्टी आईडी कॉलम जो कि कॉमन है। अब जिसके करेस्पॉन्डिंग जो है वो कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसको वो खाली छोड़ देगा। अब फॉर एग्जाम्पल उस्मान है ताहिर है आयशा है समद है। तो उस्मान साहब जो है दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं डेटाबेस सिस्टम्स का और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। तो ये दोनों रोज इस फैकल्टी आईडी के बेसिस पे इनके साथ कंबाइन होगी, और ये जो ताहिर है उसके सामने कोई भी सब्जेक्ट असाइन नहीं किया होगा, तो उसके सामने हमने क्या कर दिया है पैड विद नॉन मैचिंग टपल्स विद नल, जो टपल्स मैच नहीं करती उनको नल कर दे। यहाँ पे जो आयशा है आयशा के सामने वो मनी एंड कैपिटल मार्केट है ये सब्जेक्ट टीच करती है तो उसके सामने आ गया, और जो समझ साहब है वो कोई कोर्स टीच नहीं करते तो उसके सामने एम्प्टी रखा हुआ है। तो इसका मकसद है कि कीप ऑल द टपल्स फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन। लेफ्ट रिलेशन कौन सा है हमारे पास फैकल्टी का रिलेशन है, एंड जॉइन विद द राइट रिलेशन। राइट रिलेशन कौन सा है हमारे पास कोर्स का है। पैड द नॉन मैचिंग टपल्स विद द नल्स। तो इसके जो राइट रिलेशन है राइट रिलेशन उसके अंदर जो भी नॉन मैचिंग रोज हैं उसके अंदर हम नल पैड कर देंगे, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। इसी के रिवर्स को हम कहेंगे राइट आउटर जॉइन, यानी कि यहाँ वाली रोज जो है वो सारी की सारी हमें प्लेस आउट कर दे, और इसके करेस्पॉन्डिंग अगर कोई रो मैच नहीं करती तो वो उसको नल के तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर दे। सेम एज द लेफ्ट बट कीप टपल्स फ्रॉम द राइट रिलेशन। तो यहाँ पे उस्मान साहब के करेस्पॉन्डिंग डेटाबेस सिस्टम्स हैं, उस्मान साहब के करेस्पॉन्डिंग इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग है, और आयशा के करेस्पॉन्डिंग मनी एंड कैपिटल मार्केट है। ये तीन रोज जो एज इट इज जो है वो सेम यहाँ पे रहेंगे, लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है इसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी यहाँ पे टीचर नहीं है, यानी कि ये किसी टीचर को असाइन नहीं किया हुआ।
अब इस ये जो राइट वाली जो रोज हैं वो सारी की सारी रखी हुई हैं, लेफ्ट के साइड में कोई भी जो रो है जो कि सिर्फ उससे करेस्पॉन्डिंग है मैच कर रही है वो रखी हुई है, बाकी वो कोई भी रो जो है वो जिस तरह एक वो समर साहब है वो इस टेबल के अंदर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। अब लेफ्ट आउट ऑफ ज्वाइन और राइट आउट ऑफ ज्वाइन का आपको ये फायदा पता चल रहा होगा कि लेफ्ट आउट ऑफ ज्वाइन से ये पता चल रहा है कि भाई ताहिर साहब जो है यार ये हमारे पास फैकल्टी मेंबर तो है लेकिन इनको कोई भी कोर्स दिया हुआ नहीं है, या समझ साहब जो है प्रोफेसर है यहाँ पे लेकिन ये कोई भी कोर्स पढ़ा नहीं है, ठीक है। और राइट आउट ऑफ ज्वाइन से ये पता चल रहा है कि हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है वो खाली पड़ा हुआ है, इसको कोई भी टीचर पढ़ा नहीं रहा। तो इससे हमें पता चल सकता है कि अब ये तो है स्मॉलेस्ट टेबल, बहुत छोटा सा है टेबल, लेकिन इससे बड़ा टेबल भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें ये तो हम सामने देख के भी जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें जो है हमें ये चीजें ढूंढने में मुश्किलात होंगी। तो इससे लेफ्ट आउट ऑफ जॉइन और राइट आउट ऑफ जॉइन में ये पता चल रहा है कि इसके कोर्स से करस्पॉन्डिंग कौन सा टीचर नहीं है, कौन सा टीचर करस्पॉन्डिंग कौन सा कोर्स नहीं है, तो इस तरह से उसको टीचर को कोर्स असाइन कर सकते हैं और वो कोर्स को जो है उसका करस्पॉन्डिंग टीचर मिल जाएगा। तो लेफ्ट आउट ऑफ ज्वाइन और राइट आउट ऑफ ज्वाइन एक और कीवर्ड है जस्ट आउटर ज्वाइन सेम एज लेफ्ट बट कीप ऑल द टेबल्स फ्रॉम बोथ रिलेशन। बेसिकली इसको हम कहते हैं फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन जो कि एक कीवर्ड भी है हमारे पास ओरेकल के अंदर, जिसमें जितने भी रोज हैं हमारे लेफ्ट के यहाँ पे रखे हुए और जितने भी रोज हमारे पास राइट के यहाँ पे रखे हुए हैं और इसके लेफ्ट के करेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है तो वो एम्प्टी हो जाएगा और राइट के करेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं वो भी पैड होगा, यानी कि दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट ऑटो ज्वाइन एंड राइट ऑटो ज्वाइन। अब इसमें भी मैं पता चल रहा है कि ताहिर और समझ के सामने कोई भी कोर्स यहाँ पर साइन नहीं किया हुआ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कोर्स है जिसके सामने जो है वो कोई भी जो है वो फैकल्टी मेंबर साइन नहीं किया हुआ। एक और जो ज्वाइन है जिसको कहा जाता है सेमी ज्वाइन, यानी कि फर्स्ट टेक द नेचुरल ज्वाइंस ऑफ टू टेबल्स देन टेक द प्रोजेक्शन ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट टेबल, यानी कि नेचुरल ज्वाइन करते हैं दोनों टेबल्स में। फॉर एग्जांपल अगर एक टेबल के अंदर 2 है दूसरे टेबल के अंदर 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करें यानी 8 रोज हो जाएं, लेकिन प्रोजेक्शन करें ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट टेबल। प्रोजेक्शन मींस जो रोज उस पर्टिकुलर लेफ्ट रिलेशन के साथ करिस्पोंडिंग है सिर्फ वही रोज डिस्प्ले हो, बाकी जो है वो रोज डिस्प्ले ना हो। अब फैकल्टी सेमी ज्वाइन द कोर्स, अगर हम नेचुरल ज्वाइन को वापस देखेंगे दिस इज द टाइप ऑफ नेचुरल ज्वाइन, तो नेचुरल ज्वाइन में प्रोजेक्शन करनी है ऑन द फर्स्ट टेबल। अगर नेचुरल ज्वाइन के अंदर जाएं तो नेचुरल ज्वाइन के अंदर हमारे पास ये 3 रोज डिस्प्ले हो रही है, उस्मान, आयशा और उस्मान, ठीक है। अब उस्मान, आयशा और उस्मान इसमें सिर्फ हमें इस जो फर्स्ट टेबल है ये रोज डिस्प्ले करवानी है, यानी कि ये 3 रोज जो है इस कोर्स के टेबल को हमें एलिमिनेट करना है और ये 3 रोज हमें डिस्प्ले करवानी है। अब 3 रोज हमें देखें तो यहाँ पे जो उस्मान वाली जो रो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेम है जो कि ये थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है बिल्कुल सेम है बाकी सेकंड रो जो है वो डिफरेंट है। तो इस फर्स्ट और थर्ड रो में से जो एक रो होगी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा इस नेचुरल ज्वाइन का, द ओनली द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट टेबल, यानी कि ये वाली फर्स्ट रो और ये वाली सेकंड रो इसकी रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उस्मान CSE 21,000 लेक्चर और आयशा 27,000 एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये इसको हम कहेंगे सेमी ज्वाइन। और यहाँ पे आपने देखा होगा इसकी जो सिंपल है वो भी डिफरेंट है कि यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो है यहाँ पे डिसअपियर है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसको कहा जाएगा सेमी ज्वाइन। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ द ज्वाइंस, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ज्वाइंस जो हमारे इस्तेमाल भी हो, बट कॉन्सेप्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं तभी जो है। बाकी एसक्यूएल की क्यूरी से, अब इसकी एसक्यूएल की क्यूरी अगर हम सेमी ज्वाइन की लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम फैकल्टी कमा कोर्स, तो ये हमारा हो गया नेचुरल ज्वाइन। अगर हम ये कहें कि सिलेक्ट फैकल्टी आईडी कमा फैकल्टी नेम कमा डिपार्टमेंट कमा सैलरी कमा रैंक फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कोर्स, तो सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स इस फैकल्टी और कोर्स से कंबाइन होकर हो गया है, तो स्किल के अंदर ये इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो
उसके बाद जो एक और ऑपरेटर है डिवीजन, वो बेसिकली एक प्रिमिटिव ऑपरेटर नहीं है, ना ही जो है वो एसक्यूएल के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन आरक्यूएल के अंदर अवेलेबल है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐड दे देता हूँ, इट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट। डिवीजन को डिफरेंस के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है जिसके अंदर सीरियल नंबर है और प्रोजेक्ट नंबर है। तो सीरियल नंबर क्या है, S1 S1 S1, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट नंबर है P1 P2 P3। ये दो रोज जो है वो आप देखेंगे ये डिस्टिंग्विश्ड है, S1 P1 S1 P2 S1 P3, S1 P4 S2 P1 और S2 P2 S3 P2 S4 P2 S4 P1। ये हमारे पास एक रिलेशन है ए, और उसको हम डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं बी वन के साथ। बी वन हमारे पास दूसरा रिलेशन है जिसको है पी टू, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी वन। तो अगर हम इसको डिवीजन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि पी टू जहां जहां पे भी हमें दिख रहा होगा उसके करेस्पॉन्डिंग जो एस नंबर है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब पी टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसका करेस्पॉन्डिंग S1 है, तो ये S1 यहाँ पे आ जाएगा, और पी टू जो है S2 के करेस्पॉन्डिंग है तो S2 यहाँ पे आ जाएगा, पी टू S4 के करेस्पॉन्डिंग है तो S2 यहाँ पे आ जाएगा, और जो है पी टू S3 के करेस्पॉन्डिंग भी है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ए डिवाइडेड बाय B1 आंसर विल बी S1 S2 S3 S4। तो ये लॉजिकली यहाँ पे है अवेलेबल, लेकिन मैथमेटिकली जो है वो सॉरी एसक्यूएल के अंदर ये डायरेक्टली उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी अवेलेबल नहीं है। सिमिलर वे हमारे पास B2 का जो है रिलेशन है। अब ये कि ये चीज मैं आपको नोट करवा दूं कि जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं जो कि परफॉर्म हो रहे हैं, तो एंड में जो रिजल्ट आ रहा है दैट रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द रिलेशन। तो जो भी इसका आउटपुट होगा वो भी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशन, लेकिन वो टेम्पररली होगा, वो कहीं पे स्टोर नहीं होता, क्योंकि वो हम मैनिपुलेट कर क्रिएटिव करके लेकर आ रहे हैं। अगेन B2 का जो हमारे पास टेबल है रिलेशन है, तो B2 के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं P2 और P4। तो ये P2 P4 कहां पे लगेंगे, सिंपल आपको डिवीजन कांसेप्ट क्या है, फॉर फोर ये मल्टी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 को डिवाइड करेगा हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये इस तरह से जो है वो मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल P2 और P4 उठाएंगे यहाँ पे, जहां जहां मैच होगा वो उसको उठाएंगे आंसर में लिख देंगे, और P2 S1 के करस्पॉन्डिंग है और P4 भी S1 के करस्पॉन्डिंग है, तो हम S1 को उठा के यहाँ पे प्लेस आउट कर देंगे। फिर देखेंगे P2 और P4 किससे मैच हो रहा है, P2 जो है S2 से मैच हो रहा है, लेकिन जो है P4 S2 से मैच नहीं हो रहा, P2 जो है वो S3 से मैच हो रहा है, P4 S3 से नहीं हो रहा, P2 S4 से मैच हो रहा है, P4 भी S4 से मैच हो रहा है, तो हम S4 को उठाएंगे इसके अंदर प्लेस आउट करते हैं। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय B2। अगेन B3 को कंसीडर करें तो P1 P2 P4, तो P1 S1 पे अप्लाई हो रहा है, P2 भी S1 के करस्पॉन्डिंग है, P4 भी S1 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर कोई भी S नंबर के ऊपर P1 और P2 और P4 तीनों जो है उसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उसका आंसर जो होगा वो सिंपल S1 ही होगा। अभी जो है हम आ जा रहे हैं एक छोटे से एग्जांपल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, एक इंडस्ट्री का रिलेशन है हमारे पास INO, इंडस्ट्री नंबर, इंडस्ट्री नेम, इंडस्ट्री सिटी। ये एक रिलेशन है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट का रिलेशन है, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, कलर और उसका वेट, मैन्युफैक्चरर का रिलेशन है, मैन्युफैक्चरर नंबर, मैन्युफैक्चरर नेम और स्टेटस, और मैन्युफैक्चरर जो है वो सिटी जो है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर जो है कौन से सिटी में जो है वो सिचुएटेड है, कहाँ से जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई ना कोई प्रोडक्ट, और इन जो है बेसिकली पी आई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस रिलेशन, जो कि इन तीनों रिलेशन आपस में लिंक कर रहे हैं, यानी कौन सी इंडस्ट्री कौन सी प्रोडक्ट बना रही है, कौन सा मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, और या कौन सा मैन्युफैक्चरर जिस इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट जो है वो मंगवा रहा है और कितनी क्वांटिटी में। ठीक है, तो इसमें आपका इंडस्ट्री नंबर है, इसके अंदर आपका प्रोडक्ट नंबर है, इसके अंदर आपका मैन्युफैक्चर नंबर है, और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्वेरीज को जो है बनाना। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट नंबर नेम एंड सिटी ऑफ ऑल द
इंडस्ट्रीज। बेटा आर यू फॉलोइंग मी? हेलो, जी सर, आई नो अवेलेबल, क्योंकि मैं अपनी सिर्फ स्लाइड्स देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग हो, ऐसे नहीं कि जूम का जो है वो टाइमिंग पूरी हो गई हो। अगर टाइमिंग जैसी पूरी हो तो दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। आप ओके सिलेक्ट सर। नंबर, नेम एंड सिटी ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। इसमें से जो है इस नंबर, नेम एंड सिटी ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। अब इस सिलेक्शन से ये तीनों के तीनों कॉलम रिट्रीव करवा के लेकर आ रहे हैं। तो सिंपल हमारे पास, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, पाई को कॉमा इंडस्ट्री नेम आई सी टी वो उसका जो रिलेशन है, रिलेशन का नाम क्या है, इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम इस क्यूरी को लिखें सिलेक्ट नंबर नेम एंड सिटी ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, तो इस क्यूरी को हम इस तरह से लिखेंगे, पाई आई एन ओ आई नेम आई सिटी और इंडस्ट्री। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हम सिंपल ये जो क्यूरी है सिर्फ इसको पैरेंथेसिस में हम ये इंडस्ट्री लिखते हैं, इट इज सफिशियंट फॉर आरक्यूएल। तो ये क्यूरी और ये क्यूरी आरक्यूएल के अंदर दोनों बराबर है। क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन है, सवाल ऐसे तो प्लीज पूछें, ताकि हम फिर अगली जो है वो क्यूरी की तरफ जाएं। क्वेश्चन तो नहीं है बेटा किसी को? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीजें कॉम्प्लिकेट होती भी जाएंगी। ठीक है, पाए इंडस्ट्री नंबर इंडस्ट्री नेम आई सी टी फ्रॉम इंडस्ट्री, और सिंपली अगर हम इंडस्ट्री लिखते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉलम्स जो हम रिट्रीव करके लेकर आ रहे हैं, उसमें ये पाए से लेकर यहां तक लगाने की हमें जरूरत नहीं है। हम सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रेडिकेट नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो इसमें सिग्मा लगाने की हमारे पास जरूरत नहीं है। दूसरी क्वेरी की तरफ जाते हैं, डिस्प्ले द नंबर नेम एंड सिटी ऑफ ऑल द इंडस्ट्री सिचुएटेड इन लंदन, यानी के पाई इंडस्ट्री नंबर इंडस्ट्री नेम सिटी वेयर इंडस्ट्री सिचुएटेड इन। अब इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई जो है वो सिग्मा दे रहा है, सिग्मा में क्योंकि वेयर क्लॉज दे रहा है, वेयर क्लॉज हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, सिग्मा के थ्रू। तो मीन्स सिग्मा इंडस्ट्री सिचुएटेड इन लंदन। अब आई सिटी इक्वल टू लंदन, ठीक है, और इसके बराबर में हम यहां पर रिलेशन का नाम लिख देंगे। अब इस क्यूरी को कंबाइन करके, यानी के पाई आई एन ओ कम आई एन ए कम सिटी, सिग्मा आई सी टी इक्वल टू लंदन फ्रॉम इंडस्ट्री, तो ये आरक्यूएल में ये क्यूरी रिप्रेजेंट कर रही है। इस इंग्लिश में जो एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, डिस्प्ले द नंबर नेम एंड सिटी ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज इन लंदन। अब इसमें भी नंबर नेम एंड सिटी जो है, तीनों के तीनों कॉलम्स जो हैं
वो रिट्रीव करवा के लेकर आ रहा है। अगर इस तरह से है तो हमें ये पाए जो है हमारी ये वाली जो है वो हमारे पास ऑप्शनल है, यानी के ये क्यूरी लिखे या हम सिंपल यहां पे सर सिग्मा लिख दें आई सिटी इक्वल टू लंदन और इंडस्ट्री, तो ये क्यूरी तो ये पूरी क्यूरी ये बराबर हुई। जी बेटा सर ऐसा जो कोई लिखियो सेलेक्ट नंबर नेम एंड सिटी ऑफ ऑल इंडस्ट्री सर इनमें मतलब ऐसा जी एसक्यूएल में पढ़े हो सेलेक्ट स्टैटिक आई पे ऑल मतलब जो को सडियो टेबल जो रोज अच्छी वही हो सडियो टेबल जो कॉलम्स खणी अच्छे ओ कॉलम्स आ सर पो ही जो को पाए है मतलब वो सेलेक्ट जो कम करे पियो एग्जैक्टली स्टैटिक जो ना सेलेक्ट जो सेलेक्ट जो सेलेक्ट ये 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 जो चीज है ना ये मैं आप अभी मेरे क्लास में स्टार्ट में मैंने ये चीज बताई है कि फॉर एग्जांपल ये पढ़े हुआ है एग्जैक्टली तो वो सिग्मा बेसिकली जो सिग्मा है वो क्राइटेरिया करता है सिलेक्शन को और सिलेक्शन का मतलब है वेयर क्लॉज। इस चीज में हमेशा कंफ्यूजन होती है। एसक्यूएल के अंदर हम लिखते हैं उसको सिलेक्ट लेकिन कहते हैं उसको प्रोजेक्शन है और एसक्यूएल के अंदर हम लिखते हैं वेयर लेकर कहते हैं उसको सिलेक्शन, ठीक है ना? ओके सर। तो ये वर्ड जो है हमारे इंग्लिश में वर्डिंग और एसक्यूएल के वर्डिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलेक्शन इन आरक्यूएल या सिलेक्शन इंग्लिश इज करेस्पॉन्डिंग टू द वेयर क्लॉज और जो सिलेक्ट जो ऑपरेटर है जो क्लॉज हम एसक्यूएल के अंदर लिखते हैं उसको हम जो है वो कहते हैं प्रोजेक्शन। और आपका जो वेयर क्लॉज है वो बेसिकली रोज को रिस्ट्रिक्ट करता है, आपका जो प्रोजेक्शन है वो आपके कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये कॉलम्स को तो रिस्ट्रिक्ट कर नहीं रहा, ये सारे के सारे कॉलम्स को रिट्रीव करके लेकर आ रहा है। तो अगर हम ये पूरी क्यूरी न लिखे इस तरह हम ये लिखे सिग्मा आई सिटी इक्वल टू लंदन फ्रॉम इंडस्ट्री तो ये इस पूरी क्यूरी के जो है वो बराबर है। और अगर हम इसको एसक्यूएल में लिखेंगे तो एसक्यूएल के अंदर हम इस तरह से लिखेंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इंडस्ट्री वेयर आई सिटी इक्वल टू लंदन, ये वाली जो क्यूरी है एसक्यूएल के अंदर वो इस क्यूरी के बराबर और इस क्यूरी के बराबर, ठीक है गाइस क्लियर? यस सर। अब जो है तीसरी क्यूरी है हमारे पास डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर व्हिच ऑर्डर्ड द प्रोडक्ट नंबर 1 फ्रॉम इंडस्ट्री नंबर 1, यानी कि ऐसा मैन्युफैक्चरर जो के प्रोडक्ट इसको ऑर्डर करता हो मैन्युफैक्चर नंबर हु मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री नंबर 1 एंड प्रोडक्ट लेटर, यानी कि ऐसा मैन्युफैक्चरर जो के इंडस्ट्री नंबर 1 से प्रोडक्ट नंबर 1 को जो है वो ऑर्डर करता हो, ये जो है हमें इसकी क्यूरी बनानी है, ठीक है? अब इस क्यूरी के अंदर जो है हमें एक से ज्यादा टेबल्स जो है आपस में ज्वाइन हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर, हमें डिस्प्ले क्या करवाना है सिर्फ मैन्युफैक्चरर नंबर हमें डिस्प्ले करवाना है, यानी कि पाई एम एन ओ डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर, यहां से हम ये हमारी यहां तक क्यूरी होगी। अब हमारे पास ये बता रहा है कंडीशंस जो कि ऑर्डर करे प्रोडक्ट नंबर वन यानी कि पी एन ओ इक्वल टू वन,
आप इसके अंदर सिग्मा, क्योंकि वेयर क्लॉज आ गया हमारे पास सिग्मा पी एन ओ इक्वल टू 1, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर रहा है, फ्रॉम इंडस्ट्री नंबर 1 यानी कि एंड आई एन ओ इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर जो के प्रोडक्ट नंबर 1 ऑर्डर करता हो इंडस्ट्री नंबर 1 से। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन देखते हैं, अगर हमारे पास एक ही टेबल के अंदर अवेलेबल है तो हम एक ही टेबल से लेते हैं वरना हम ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री नंबर है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नंबर है, मैन्युफैक्चरर के अंदर मैन्युफैक्चरर नंबर, ये तीनों अलग अलग है। उसके अलावा एक और टेबल है पीआईएम जो कि इन तीनों को कंबाइन कर रहा है। मीन्स हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा मैन्युफैक्चरर नंबर बताओ जो कि प्रोडक्ट नंबर 1 ऑर्डर करता हो इंडस्ट्री नंबर 1 के थ्रू। इसी टेबल के अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव होकर आ सकती है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इसको यहाँ पे प्लेस आउट कर देंगे पी आई एम यानी कि डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर व्हिच ऑर्डर्स प्रोडक्ट नंबर 1 फ्रॉम इंडस्ट्री नंबर 1। तो हमारी ये क्यूरी जो है क्यूरी नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं तो आगे बढ़े सर, थोड़ा समझ में कौन आयो सर, समझ में कौन आयो, समझ में छो कौन आयो। डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर, वो आपके साथ ये कॉलम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, आपने पाई के साथ वो नंबर लगा दिया जो कि ऑर्डर करता है प्रोडक्ट नंबर 1। प्रोडक्ट नंबर 1 क्या है, पी एन ओ इक्वल टू 1 और इंडस्ट्री नंबर 1 आई एन इक्वल टू 1। ये दोनों जो कंडीशंस हैं, जिस तरह वेयर क्लॉज होता है ना, वेयर क्लॉज में लगा दी। अगर हम लिखें एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट एम एन ओ फ्रॉम पिम वेयर पी एन ओ इक्वल टू 1 एंड आई एन ओ इक्वल टू 1, ये वाली क्यूरी है सिंपल। ठीक है, सिलेक्ट मैन्युफैक्चरर नंबर फ्रॉम पी आई एम वेयर पी प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू 1 एंड आई एन ओ इक्वल टू 1, ये वाली क्यूरी है, सिलेक्ट वाली क्यूरी जो कि मैंने इसको आर्टिकल के अंदर इस तरह से लिखी हुई है। इसमें क्या समझने ना आने वाली बात है, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी भी है तो आपको आरक्यूएल आ जानी चाहिए, आ जाएगी आपको। अगर आपको एसक्यूएल में ही कंफ्यूजन है तो फिर आरक्यूएल में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी 100%। नहीं सर, एसक्यूएल बिल्कुल क्लियर है, हां समझ में अच्छी है जो, ठीक है ना। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस हवाले से? ठीक है, आगे चलें। यस सर, बाकी आप लोग करोगे या मैं एक और करवाऊं? सदा एक रोजा करायो। आपका सीआर कौन है बेटा? सीआर की तरह वो गजन गजनफर है ना, गजनफर और मरियम ये दोनों नहीं है यहाँ पे हमारे पास। आई डोंट नो। अच्छा, डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर हु मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री नंबर 1, यहाँ पे 1 जो है मिसिंग है, एंड प्रोडक्ट कलर रेड। आप इसको हर लिहाज एसक्यूएल के अंदर आप इसको थिंक कर रहे हो, आप एसक्यूएल के अंदर से थोड़ा सा निकले, आप आरक्यूएल के अंदर इसको सोचना शुरू करें। अब क्या कह रहा है, डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर, डिस्प्ले का मतलब है सिलेक्ट क्लॉज के अंदर ये कॉलम हमें डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब यहां से क्यूरी बनाना शुरू करें, डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर 1, सॉरी डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर नंबर Who manufactures from the industry number 1, industry number 1 यानी कि वेयर क्लॉज आ गया, यानी कि ये वाली सेम कंडीशन, एंड प्रोडक्ट कलर इक्वल टू रेड। प्रोडक्ट के अंदर एक कॉलम में कलर, उसको कह रहा है कि प्रोडक्ट का जो कलर हो
रेड होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा मैन्युफैक्चरर नंबर डिस्प्ले करवाएं जो कि इंडस्ट्री नंबर वन से जो है जो रेड कलर की प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करवाता हूं। अभी इसके अंदर मैन्युफैक्चरर नंबर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इंडस्ट्री नंबर भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो प्रोडक्ट का जो कलर है वो इस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर अवेलेबल है, इस पीआईएन के टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। यानी कि हमें ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, हमें इस रिलेशन के साथ ज्वाइन करना है ताकि हम ये वाली जो इंफॉर्मेशन है कलर के बेसिस पे हम इस मैन्युफैक्चरर का नंबर यहाँ पर ट्रीप करके लेकर आए। अब इसको हम डायरेक्टली ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो ऐसी कॉमन चीज है जो कि इस प्रोडक्ट और पीआईएन के टेबल के अंदर अवेलेबल हो। आप ये बता सकते हैं ये दोनों टेबल प्रोडक्ट और पीआईएन कैसे किस चीज के बेसिस पे कंबाइन हो सकते हैं, कोई बताएगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट नंबर सर, नंबर, सर सिंपली प्रोडक्ट नंबर, सिंपली ये इसको इस टेबल के साथ ज्वाइन करना है और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी। सर प्रोडक्ट नंबर सर, एग्जैक्टली, अभी हमने यहां पे किया एंड प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू वन, कलर इक्वल टू रेड और एंड पी आई एम जो टेबल है इक्वल पी आई एम डॉट प्रोडक्ट नंबर, पीआईएन का जो प्रोडक्ट नंबर है वो बराबर हो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नंबर के। अब यानी कि पीआईएन डॉट प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नंबर के बराबर हो, और डेटा हमारे पास कहां से रिट्रीव होकर आएगा, किस रिलेशन से, पीआईएन हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट पी, इन दोनों टेबल्स से हमारे पास ज्वाइनिंग होगी, नेचुरल ज्वाइन बेस्ड ऑन पिम डॉट पी एन ओ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी एन ओ और प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू वन कलर डॉट रेड। ठीक है, ये हमारी इस क्यूरी की जो है वो इस जो हमारे पास इंग्लिश में लिखी हुई है उसकी जो है वो आरक्यूएल के अंदर ये चीज हमारे पास होगी। अगर हम इसको एसक्यूएल के अंदर लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट एम एन ओ फ्रॉम पिम कॉमा पी वेयर पी एन ओ इक्वल टू वन एंड कलर इक्वल टू रेड रेड एंड पिम डॉट पी एन ओ इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट पी एन ओ। सिंपल है ये वाली आरकेल की क्वेरी, एस एसक्यूएल के अंदर आपको यहां पे दिख रही है। यस सर, अब इसको फर्दर एक कंफ्यूजन हो सकती है, यहां पे जो कलर का कॉलम है वो इस जो है वो प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, पीएनओ का जो कॉलम है वो हमारे पास पीआईएन के टेबल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो इस वजह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने टेबल एलियासेस के बारे में पढ़ा होगा, आपने टेबल एलियास पढ़ा है ना आपने एसक्यूएल के अंदर। टेबल यस सर, एलियास क्या होता है, सर रीनेम का नाइन, अगर आपके टेबल का नाम बड़ा हो ना तो आप टेबल के नाम को छोटा कर सकते हैं। फॉर यस सर एग्जाम्पल रीनेम पी का आई नाइन, पी आई एम है तो आप पी आई एम तो वैसे ही छोटा है, प्रोडक्ट का जो एलियास है आप यहाँ पे पी दे दें। तो यहाँ पे आपके एसक्यूएल के अंदर आप प्रोडक्ट की लिखने की जगह सिर्फ पी लिख दें
यहाँ पे भी आपने सिर्फ पिन डॉट पी एनओ इक्वल टू पी डॉट पी एनओ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सेम चीज आप इस आर्कफिल के अंदर भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की जगह पे पी लिखते हैं और यहां पे जो प्रोडक्ट है उसके बराबर में आप पी लिखते हैं कि इस प्रोडक्ट के टेबल को आप पी के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी आपकी ये वाली क्यूरी इस क्यूरी के बराबर हो जाएगी। तो आप मेरे ख्याल से अब आपके सामने चीजें जो है होंगी वो क्लियर होंगी। ये सेम इंग्लिश में आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इसको जो है वो आरक्यूएल के अंदर ट्रांसफॉर्म करें। उसी क्यूरी को अगर मैं आपको कहूंगा एसक्यूएल के अंदर लिखें तो आप इसको एसक्यूएल के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी इसके बाद जो है तीन चार क्यूरी इसके बाद भी है जो कि मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। आप घर पे जाके इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके गाइस। तो थ्योरी का जो लेक्चर है मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब हम इंशाल्लाह लैब का लेक्चर जो है शुरू करते हैं।